कहते हैं भक्तों, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। भगवान जब भी आते हैं किसी न किसी रूप में ही आते हैं, और ऐसे ही एक मांगने वाले का रूप धारण करके भगवान एक भक्तनी के घर पहुंच जाते हैं, और वो भक्तनी ना पहचानते हुए भगवान का किस तरह निरादर करती है, सुनिएगा जरा। भावना में भाव ना हो तो वो भावना बेकार है, अगर भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भक्तों, भक्ति की थी गुरु भक्त ने, भगवान को भी मजबूर होके उसे दर्शन देने पड़े। इसीलिए अगर भक्ति करो तो सच्चे दिल और सच्ची लगन से कीजिएगा, झूठी भक्ति में कोई लाभ नहीं होता। और क्या कह दिया सुनिएगा जरा।
गुरबानी मीराबाई का। कहते हैं मीराबाई ने श्याम की भक्ति में सब कुछ त्याग के सिर्फ श्याम का नाम रटना शुरू कर दिया। कैसे उसने 800 झालरें त्याग कर एक काट की माला ले ली और कैसे उसने श्याम का सुमिरन किया, सुनिएगा जरा। भगवान को अपने घर बुलाकर सूखी रोटी का भोग लगाया और कैसे श्री कृष्ण भगवान उस सूखी रोटी के भोग से ही प्रसन्न होकर कैसे अपने भक्त पे अपनी असीम कृपा बरसाते हैं कि एक कांकर काटे बोए हुए खेत में भी हरी भरी फसल लहरा देते हैं। और आइए कैसे बता दिया। अपनी बेटी का भात भरने के लिए भी कुछ नहीं बचा, लेकिन भगवान से अपने भक्त की ये हालत देखी नहीं गई और कैसे उसकी बेटी हरनंदी का भात स्वयं श्री कृष्ण भगवान आके भरते हैं और कैसे वहाँ पर सोना चांदी हीरे मोती बरसाते हैं, सुनिएगा जरा। तो हो